वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्विटर। स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स के प्रॉब्लम्स में आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा देखिए, अंडर द रूट 225 डिवाइडेड बाय 729 माइनस अंडर द रूट 25 डिवाइडेड बाय 144 होल डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 16 डिवाइडेड बाय 81। सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए क्या दिया हमें, अंडर द रूट 225 डिवाइडेड बाय 729 माइनस अंडर द रूट 25 डिवाइडेड बाय 144 होल डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 61 डिवाइडेड बाय 81। सो 225 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या निकलेगा हमारा, 15। और 729 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमारे 27 का। ओके, माइनस 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा 5 और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। ओके, होल डिवाइडेड बाय 16 है, 16 किसका होता है, 4 का, डिवाइडेड बाय 81 किसका होता है, 9 का। ओके, नाउ नेक्स्ट इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आया हमारा कितना, 108। 27 से कितने टाइम्स गया ये, 4 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, 15 × 4 60 माइनस, और 12 से कितने टाइम गया, 9 टाइम्स, 9 × 5 = 45 होल डिवाइडेड बाय 4/9। ओके, नाउ माइनस करेंगे कितना हो गया, 15, तो बचा कितना, 15 / 108। डिवाइड है तो ये किस में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो डिजिट है वो इन पलट जाएंगे, दैट मीन्स 9/4 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे, 9 से ये जाएगा 12 टाइम्स। ओके, 3 से करते हैं, ये 5 टाइम्स हो गए, 4 टाइम्स, तो वैल्यू क्या निकली हमारी, 5/16। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द स्क्वायर रूट ऑफ 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। सॉल्यूशन बनाते हैं। स्क्वायर रूट निकालना है हमें किसका, 272 के स्क्वायर का माइनस 128 के होल स्क्वायर का। ये हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। मान लीजिए ए क्या है हमारा, 272 और बी क्या है, 122, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 272 प्लस 128 ओके इंटू 272 माइनस 128। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, देखिए ऐड करने पे कितना आएगा, 272 को 128 से ऐड करने पर 400 आएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस करने पर, ये हमारा 144 आ जाएगा अंडर द रूट। ओके, सो 400 किसका स्क्वायर रूट होता है, या 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 20 × 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, तो ये कितना आ गई वैल्यू, 240 निकल कर। ओके, यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस अंडर द रूट एक्स वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 × 24। सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए क्या दिया हमें, 6 × 24, ये किस फॉर्म में दिया हमें, एक्स इंटू वाई के फॉर्म में, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अंडर द रूट एक्स एंड वाई। ठीक है, सो यहाँ से एक्स क्या हो गया हमारा 6 और वाई क्या हो गया 24, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 24 = 6 + 24 + अंडर द रूट 6 × 24, यहाँ पे प्लस है। ओके, नाउ देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस अंडर द रूट 6 × 24 कितना हो गया, 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है, ये हमारे 12 का स्क्वायर होता है, ऐड करने पर कितना आ गया, 42। फाइनल आंसर क्या आया हमारा, 42। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If y is equal to 5, then what is the value of 10y under the root y cube minus y square? Solution बनाते हैं। देखिए क्या दिया है,
वाई इज इक्वल टू हमें दिया है 5, और हमें वैल्यू निकालनी किसकी, 10y अंडर द रूट y क्यूब माइनस y स्क्योर की. ओके, वैल्यू पुट कर देंगे हम y कितनी, 10 इंटू 5 अंडर द रूट 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्योर. ये कितना हो जाएगा 50, अंडर द रूट 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 माइनस 5 का स्क्योर क्या हो जाएगा 25. ओके, माइनस करेंगे क्या वैल्यू बचेगी, ये बचेगी अंडर द रूट 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है 10, तो हो जाएगा 50 इंटू 10. फाइनल वैल्यू क्या आ गई हमारी 500. ओके, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, अंडर द रूट 110 रिस टू 1/4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए. क्या दिया है, अंडर रूट 110 1/4, मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, ये हो जाएगा हमारा 4400 प्लस 1, दैट इज 441 डिवाइडेड बाय 4. ओके, कितना होगा मल्टीप्लाई करने पर, 440 और प्लस कर देंगे 1, तो 441 डिवाइडेड बाय 4, तो 441 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमारे 21 का, और 4 किसका स्क्वायर होता है, ये हमारे 2 का. दैट मीन्स 441 का स्क्वायर रूट होता है 21, और अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आता है 2, तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा 21/2. ओके, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 10.5. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, अंडर द रूट 25 डिवाइडेड बाय 81 माइनस 1/9, सॉल्यूशन बनाते हैं देखिए. क्या दिया है, 25 डिवाइडेड बाय 81 माइनस 1/9, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आया 81. ओके, ये हो गया 25, 9 से कितने टाइम्स गया 9 टाइम्स, तो ऊपर क्या आ गया 9. माइनस करेंगे 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16 डिवाइडेड बाय 81, 16 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है 4, और 81 का 9, तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा 4/9. ओके फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चंस, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें. थैंक यू.